الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد हम लोग फ़िलहाल या अभी इस वक्त तरफ़ा इब्न अब्द अल बकरी का मुअल्लक़ा पढ़ रहे हैं और पिछले दर्स के अंदर इस मुअल्लक़े का जो ये शेर था जो शायर इसमें कह रहा है तरीउ इला सौति अल मुहीबि व तत्तकी बिज़ी खुसल रौआति अकलफ मुलबिदी। इस शेर को हमने पीछे वाले दर्स में पढ़ा था और ये आखिरी शेर था और उसके बाद आज उससे अगले वाले जो अशआर हैं उसको हम पढ़ेंगे। फिर से एक बार बता दूं कि ये अशआर अभी जो चल रहे हैं इन अशआर के अंदर तरफ़ा अपनी ऊँटनी या अपनी नाका की तारीफ़ कर रहा है या उसकी वस्फ बयानी कब कर रहा है। इसके अंदर उसकी जितनी अच्छी अच्छी औसाफ़ हैं नाका के अंदर होनी चाहिए वो अपनी ऊँटनी के लिए उनको गिना रहा है एक एक करके। और इसने अपने मौलक़े के अंदर अगर मौजूआत के बारे में कलाम किया जाए जैसे कि पहले मैंने बताया है तो इस मौलक़ात में उसने कई सारी चीज़ों को छेड़ा है। सबसे पहले तो उसने अपने मौलक़े की शुरुआत गज़ल से की है या ये कि हम कह रहे हैं कि महबूबा के जो टूटे फूटे मकानात या टूटे फूटे जो मकानात हैं या उसके जो निशानात वहाँ पर कुछ बचे हुए हैं वहाँ पर जाता है और वहाँ पर खड़े होकर के महबूबा की याद में उसको रोता है और अपने साथियों से भी रोने की अपील करता है और पुरानी जो यादें हैं उनको जहन में लाता है। तो ये चीज़ हर शायर करता है असर जाहली में। तो उसके बाद फिर इसने अपनी ऊँटनी की तारीफ़ की है जो कि 30 से ज़ायद अशार पर मुहीत है। इसके बाद उसने बहुत सारी सिफात का जैसे कि करम यानी कि सखावत है बहादुरी है इस तरह के जो बहुत सारे औसाफ़ हैं उनका तस्करा किया है। बीच बीच में वो ये भी इशारा कर रहा है कि उसके रिश्तेदारों से उसको क्या क्या तकलीफ़ें मिलती हैं और रिश्तेदारी के रिश्तेदारों की जानिब से जो तकलीफ़ आदमी को मिलती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है ये भी चीज़ का उसने ज़िक्र किया है। उसके बाद रिसा उसके बारे में कुछ उसने कलाम किया है कुछ वसीयत की है और आखिर में जाकर के उसने बहुत ही खूबसूरत अच्छे अच्छे हिकमत भरे अशआर ज़िक्र किए हैं जो कि तरफ़ा काफ़ी है गरचे बहुत ही कम उम्र में उसको मार दिया गया लेकिन उसकी जो बातें हैं हिकमत भरी बातें क्योंकि हिकमत भरी बातें वही आदमी क्या कह पाता है सही से जिसकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी रही हो जिसने क्या है ज़माने के तमाम चीज़ों का तजर्बा किया हो तो वो आदमी क्या है। लेकिन तरफ़ा कम उम्र में हालाँकि ये बहुत कम उम्र ही में है इसको मार दिया गया कत्ल कर दिया गया धोखे से जो कि मतलब 30 साल भी इसकी उम्र नहीं पार 30 साल से भी क्या है इसकी उम्र तजावज़ नहीं कर पाई थी तो इसलिए इसको इब्नुल अशरीन कहा जाता है यानी कि 26 साल इसकी उम्र ही टोटल बनती है तो ये बहुत ही कम उम्र ही में जो है इसने ये सारे अशआर कहे हैं। ये इसके मौजूआत हैं तो मौजूआत के जो है मैंने हल्का सा बताया यहाँ पर तो यहाँ पर जो ऊँटनी की तारीफ़ ये कर रहा है ऊँटनी की ही बातें चल रही हैं आगे जो अशआर आ रहे हैं जो कुछ और अशआर आ रहे हैं सब ये उसके ऊँटनी ही से उनका ताल्लुक़ है। यहाँ शायर कह रहा है कअन्न जनाही मदरही तकन्नफा हिफाफ़ैही शुक्का फिल असीब बिमिस्रदी। यहाँ कह रहा है कअन्न जनाही जनाही ये जनाह की तस्निया है जनाहुन के माने बाजू होता है बाजू जैसे परिंदों के दो बाजू होते हैं वही बाजू यहाँ पर मुराद है जनाह। ऐसे परिंदों के बाजू नहीं बल्कि और भी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है जैसे कोई घर है तो अगर वो घर दो हिस्से कोई घर है कोई बिल्डिंग है कोई कसर है उसके अगर दो पार्ट है तो कहेंगे अलजनाह अलअव्वल अलजनाह अस्सानी यानी कि इस माने में भी इस्तेमाल होता है तो बाजू ही मुराद है कि परिंदे ही का बाजू हो और भी चीज़ों पर इसका इतलाक होता है अलजनाह अलअयमन या अलजनाह अलअयसर इस तरह से बोला जाता है। तो करें कि जनाह और उसकी जमा अजनहतुन आती है लेकिन यहाँ जो है ये तस्निया इस्तेमाल है जनाहुन की जमा जनाहाने आएगा और यही जनाहाने ही है यहाँ पर लेकिन ये हालत नस में है क्योंकि उस पर कान्ना दाखिल है इसीलिए ये अलिफ़ के साथ नहीं क्योंकि तस्निया है और तस्निया का इराब हालत नस्ब और जर में या के साथ होता है तो ये असल में क्या हो जाएगा कान्ना अगर यहाँ इसकी इजाफत से इसको काट दिया जाए तो हो जाएगा कान्ना जनाहैनी कान्ना जनाहैनी। और चूँकि ये मज़ाफ है मजरहीन की तरफ तो इसीलिए यहाँ पर बीच से नून जो कि नून एराबी है वो नून एराबी गिर गया है क्योंकि ये एराब का नून नून एराबी मज़ाफ के आखिर में कभी भी नहीं आता है मज़ाफ से गिर जाता है वो तो अब उसकी सजा हो गया जब नून गिर गया तो हो गया जाना है का अन्ना जाना है मजरहीन और मजरहीन कहते हैं सफ़ेद गिद्ध को
नस्र जगह जमा अबयदु मिन नसूर, यानी कि गिद्धों में जो सफ़ेद गिद्ध होता है उसको मजरही कहते हैं, मजरहीयुन। और कह भी कहा जाता है, और कहा यह भी कहा गया है कि उससे मुराद बड़ा गिद्ध है, चाहे वो सफ़ेद हो या किसी भी रंग का हो। तो ये दूसरा माना भी बयान किया जाता है। तो बड़ा गिद्ध अगर हम मुराद ले लें तो वाजह हो जाएगा माना। तो का अन्ना जना है मजरहीयुन, ऐसे गोया कि किसी बड़े गिद्ध के दो परों को, या दो पर, गोया कि किसी बड़े गिद्ध के दो पर कहाँ हो गए, तकन्नफा। और ये तकन्नफा है तो तकन्नफा कहते हैं तकन्नफा या तकन्नफो, सौरा यानी कि किसी चीज़ के किनारे हो जाना, तकन्नफा यानी उसका मतलब होता है तकन्नफा अशय, यानी कि तकन्नफा अशय अशय, कोई चीज़ किसी चीज़ के किनारे में हो जाए तो उसको तकन्नफा से ताबीर किया जाता है, उसको तकन्नफा कहते हैं। तो तकन्नफा यानी कि किनारे में हो जाना, तकन्नफा वबी तफाउल से है, तकन्नफा तस्निया है ये, तकन्नफा। तो ये तस्निया और ज़मीर अलिफ जो है, ये ज़मीर ये जा रही है इसी जना है की तरफ, जना है मज़रहीन, इसी की तरफ ज़मीर क्या है लौट रही है। तकन्नफा हिफाफ़ैही, हिफाफ यहाँ भी क्या है, हिफाफ मुफरद है और यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है हिफाफ़ैही, तो हिफाफ़ैही यानी कि यह तस्निया इस्तेमाल है, यानी कि तस्निया है हिफाफ़ैही, हिफाफाने तो दरहकीकत हिफाफाने है, हिफाफ़ैने हिफाफ़ैने। तो यहाँ पर मफ़ूल भी वाक़े है ये तस्निया, इसीलिए हालत ये हालत नस में तस्निया या के साथ आया हुआ है, हिफाफ़ैने है असल में, लेकिन हा ज़मीर की तरफ इसकी इजाफत है तो वो नून गिर गया है तो हो गया हिफाफ़ैही। और हिफाफ के मैंने बताया कि जानिब होता है, किनारा होता है हिफाफ, और इसकी जमा आ जाती है अहिफ़तुन, अहिफ़। तो हिफाफ़ुन की जमा अहिफ़तुन, जिसका माना किनारा होता है। हिफाफ़ैही शुक्का, शक्का या शुक्को के माने होता है गाड़ना, किसी चीज़ को जो है गाड़ना, ये होता है शक्का का माना, यानी कि गरज़ा किसी चीज़ को कहीं पर गाड़ना, किसी चीज़ में दाखिल कर देना, इसको ताबीर कहते हैं, इस फेल का माना होता है शक्का या शुक्कू। और यहाँ पर ये मजबूल है शुक्का, शुक्का यहाँ भी तस्निया है शुक्का, और इसकी जो ज़मीर है जो अलिफ है ये कहाँ लौट रही है, जनाही की तरफ, जना है मतरहीन, इसी की तरफ क्या है यहाँ भी ज़मीर लौट रही है। शुक्का फी फिल असीब, असीब के माना होता है दुम की हड्डी, जो जानवरों का जो दुम होता है तो उसमें जो हड्डी होती है उसी को कहते हैं असीब, आई अजमुत जनब, तो जो दुम की हड्डी होती है उसको असीब बोला जाता है। उसके बाद है मिसरत, मिसरत एक कलमा और है जो कि सब कलमात हैं, असल में ये है कि जो तरफा का मौलका है इसकी खासियत तमाम मौलकात में एक और चीज़ से है, वो ये है कि इसके अंदर गरीब कलमात काफ़ी ज़्यादा हैं। गरीब कलमा से मुराद है कि ऐसे कलमात जिनके मानी आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम होते हैं और उसका माना समझने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि बार बार डिक्शनरी की तरफ रुजू किया जाए। तो ये गरीब कलमा से भरा हुआ है, उसकी अपनी कुछ वजूहत हैं, कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि इसने जो मौजूद छेड़े हैं उन मौजूद में ऐसा ही होता है कि भारी भरकम अल्फाज आएँ, और बहुत सारी चीज़ वजूहत हैं जिसकी वजह से क्या है इसने यहाँ पर गरीब कलमात का इस्तेमाल किया। जाहली मुआशरा है वो भी एक सूरत हो सकती है। तो कह रहे हैं शुक्का फिल असीब बि मिसरत, मिसरत के माना होता है जैसे कि हमारे हम लोग यहाँ कहता है जो सुताली, उसको बोलते हैं सुताली उर्दू में, जिसको बोलते हैं सुज्जा, या उसको जो बड़ सुई जो होती है, जो छोटी छोटी सी सुई होती है लेकिन सुई ही के मानिंद होता है, जो कि बड़ी सी सुई मोटी सी सुई होती है जिससे क्या है बड़ी बड़ी बोरियाँ या इस तरह की चीज़ें सिली जाती हैं या चमड़े जो जिससे सिले जाते हैं, तो वो होता है मिसरत। और मिसरत की जमा आ जाती है मसारिदो व मसारिदो। तो मिसरत अगर हम अपने उसमें समझने के लिए कहें तो मिसरत क्या होता है, सुज्जा या सुताली यानी कि बड़ी सुई जिससे मोटी मोटी चीज़ें सिली जाती हैं, जैसे कि बोरी सिली जाती है या जिससे क्या होता है कि चमड़े वगैरह जो मजबूत चीज़ें होती हैं वो सिली जाती है, चमड़े वगैरह को जो मोटे मोटे चमड़े होते हैं उसको सुई से नहीं सिल सकते, तो उसके लिए बड़ी सुई की ज़रूरत होती है और यही बड़ी सुई क्या होती है मिसरत होती है। तो शायर इसमें क्या कह रहा है, इसके अंदर जो है ये अपनी ऊँटनी की दुम की तारीफ़ कर रहा है, अपनी ऊँटनी के दुम के बारे में बता रहा है कि उसकी ऊँटनी में इतने ज़्यादा बाल हैं, तो ये उसकी जो ऊँटनी है, ऊँटनी का जो दुम है उसके दाएं बाएं तरह तरह क्या है बाल इतने ज़्यादा हैं कि उसी को ये बता रहा है कि लगता है कि उसमें क्या है किसी गिद्ध के जो बड़े गिद्ध के दो परों को क्या है
काट करके इसके दुम की हड्डी में क्या है सुताली से या सुज्जे से क्या है सिल दिया गया हो, ऐसा लगता है देख करके। पहले इसे मफहूम आता है, फिर उसके बाद जो है और ज़्यादा इसकी वजाहत होगी। क्या शायर कह रहा है, कअन्ना जाना हि मर रही तकन्नफा हिफाफ़ैहि शुक्का फिल असीब बिमिस्र दी। गोया कि किसी बड़े गिद्ध के दो पर हिफाफ़ै ही अ हिफाफ़ै जनबी ही उस हिफाफ़ै ही यानी कि हिफाफ़ै अ हिफाफ़ै अज़नबी दुम की यानी कि ऐजालिक जनबी उस दुम के दोनों किनारों में हो गए हों। तकन्नफ़ा माने किनारे में होना और हिफाफ़ के माने किनारा, तो किनारों में तकरीबन माना दोनों में एक दूसरे के माने करे हुए तकरीबन अदा कर रहे हैं कलमा। तो गोया कि किसी बड़े गिद्ध के दो पर उस दुम के किनारे में हो गए हों, इस हाल में कि इन दो परों को उस दुम की हड्डी में सुताली के जरिए से सिल दिया गया हो। तो यहाँ पर जो शुक्का है ये हाल है, दर हकीकत ये जनाहे जो है इसी का हाल है। और या तकन्नफ़ा जो है ये तकन्नफ़ा के अंदर जो अलिफ है जो तस्निया के अलिफ है जो कि ज़मीर है दर हकीकत उसी से ये हाल हो जाएगा। तो यहाँ पर असल इमारत है कद शुक्का, यहाँ फिलमाजी उससे पहले कद महजूफ़ है कद शुक्का और ये जुमला क्या है हाल हो जाएगा। तकन्नफ़ा का जो फ़ाइल है जो कि अलिफ की ज़मीर है और जो ज़मीर क्या है इसी जनाहे की तरफ लौट रही है। तो याद कर रहा है फिर से एक बार कि गोया कि किसी बड़े गिद्ध के दो पर उस दुम के किनारे में हो गए हों, इस हाल में कि उन दो परों को दुम की हड्डी में सुताली के ज़रिए से सिल दिया गया है। तो ये माना हो गया। और कहने का माना फिर क्या है, इसमें मफहूम ही सही है कि उसकी जो ऊँटनी है तो उसकी ऊँटनी पर काफ़ी ज़्यादा बाल है और इसी बालों की कसरत को बताने के लिए वो उन बालों को तशबीह दे रहा है किसी जो है गिद्ध के जो दो पर हैं उनसे कि उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या है पंख होते हैं और बिल्कुल भरे होते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि किसी गिद्ध के दो परों को काट करके उसकी दुम के दोनों किनारों पर क्या है सुताली या सुज्जे के जरिए से दुम की हड्डी में सिल दिए गए हों और ऐसे ही जो है लगता है इसका दुम देख करके ऐसे ही लगता है क्योंकि इसमें बाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा उसके बाद फिर आते हैं फतौरन बिही खल्फ ज़मीली वतारतन अला खशफिन कशन निज़ाबिन मुजद्ददी। तो अगर ये जो पहला वाला जो जुमला है अगर इसे तरकीब देख रहे हैं एतबार से तो यह कानना हो जाएगा। कानना हर्फ मुशबा बिलफेल है और जना है मबरहीन ये मुजाफर मुजाफिल होकर के इस कानना का इस्म हो जाएगा। और आगे तकन्नफ़ा है तकन्नफ़ा हिफाफ़ैहि शुक्का फिल असीब बिमिस्रदी। तकन्नफ़ा ये फेल है, इसका फ़ाइल जो अलिफ दिक्रा ये ज़मीर उसी का फ़ाइल है। हिफाफ़ैहि ये मुजाफर मुजाफिल होकर मफूल भी हो जाएगा तकन्नफ़ा का। और उसके बाद क्या है शुक्का फिल असीब बिमिस्र दी। शुक्का क्या हो जाएगा फेल है फिल माजी है तस्निया का सेगा है और अलिफ जो दिख रही है ये ज़मीर है उसकी और ये इसका फ़ाइल है। फिल असीब जार मजरूर मुतालिक है शुक्का से, बिमिस्र ये भी मुतालिक है जार मजरूर होकर के शुक्का फेल से और ये फेल अपने फ़ाइल इन दोनों मुतालिक से मिल करके ये हाल हो जाएगा। कद यहाँ पर महजूफ है यह उसके बाद पूरा हाल हो जाएगा किस से तकन्नफ़ा के अंदर जो अलिफ है ये जो ज़मीर है तस्निया की उससे और ये अलिफ जो तस्निया जो ज़मीर है तस्निया की ये ज़ुलहाल हो जाएगा हाल और ज़ुलहाल फिर ये फ़ाइल हो जाएगा तकन्नफ़ा का और हिफाफ़ ही ये मफूल हो जाएगा मफूल भी ही तकन्नफ़ा फ़ेल का। तकन्नफ़ा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल भी ही के साथ मिलकर ये फिर हो जाएगा ख़बर हो जाएगी ये पूरा जुमला है जुमला ख़बर हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये खबर किसी कान्ना की खबर हो जाएगी कान्ना की खबर होगी तो कान्ना का इसम हो जाएगा जना है मज़रहीन और कान्ना की खबर हो जाएगी तकन्नफ़ा हिफाफ़ैहि शुक्का फिल असीब बिमिस्र दी। इस तरह से ये हो गया। तो एक बार फिर से माना कि कान्ना जना है गोया कि किसी गिद्ध के दो बाजू या गोया कि किसी गिद्ध के दो बाजू उसकी दुम के किनारे हो गए हों, इस हाल में कि उन्हें उस दुम की हड्डी में सुताली के जरिए से गाड़ दिया गया है। उसके बाद आगे शेयर करा कि फतौरन बिही खल्फ ज़मीली वतारतन अला खशफिन कशन निज़ाबिन मुजद्ददी।
طور के माने हैं ये ज़र्फ़ ज़मान है, तौरन बिही खल्फ ज़मील व तारतन अला खशफिन कशन, तो तौरन ये मफ़ूल फ़ी है और इसका माना है कभी कभी के माने, तारतन के माने, जो तारतन आगे आया हुआ है उसी के माना यहाँ भी तौरन भी है। तो तौरन ऐ तारतन फतौरन बिही खल्फ ज़मील, खल्फ के माने पीछे, ज़मील के माने दोस्त, ज़मील से मुराद यहाँ पर है रदीफ़। रदीफ़ कौन होता है? जो ऊँटनी पर एक आदमी जो आगे सवार होता है और एक आदमी जो उसके पीछे सवार होता है, तो पीछे वाले को रदीफ़ बोला जाता है, उसी को ज़मील ये बोल रहा है। और ज़मील के माने दोस्त होता है, जब ज़मील जमा इसकी आती है ज़ुमला हो, तो खल्फ ज़मील यानी कि ज़मील के पीछे, दोस्त के पीछे या रदीफ़ के पीछे, तौरन बिही खल्फ ज़मील है। अच्छा यहाँ पर जो है ये ज़र्फ़ है तौरन बिही, बिही ऐ बिज़नबी जो दुम है यानी कि बिही हा की ज़मीर ज़नब की तरफ जा रही है, फ़तौरन बिही खल्फ ज़मील रदीफ़ के पीछे, तो यहाँ फेल नहीं है लेकिन यहाँ फेल हमें महसूब मानना पड़ेगा। तो इससे असल क्या पड़ेगी कि फ़तज़रीबो तौरन बिही, फ़तौरन बिही तज़रीबो, या फ़तौरन तज़रीबो बिही खल्फ ज़मील व तज़रीबो तारतन अला अशअला खशफिन कशन निज़ाबिन मुजद्दिदी। तो यहाँ दोनों जुमलों में फेल महजूफ़ है और वो फेल है तजरीबो, और उसी तजरीबों को हमें यहाँ पर महजूफ मानना पड़ेगा। तो तजरीबों को जब हम महजूफ मान के पढ़ेंगे तो हो जाएगा फ़तौरन तजरीबु बिही खल्फ ज़मील व तारतन तजरीबु अला हशफिन कशन निज़ाबिन मुजद्दिदी, ऐ व तारतन तजरीबु बिही अला हशफिन अला खशफिन कशन निज़ाबिन मुजद्दिदी। तो तौर के माने कभी और खल्फ ज़मील के उसके बाद तौरतन, इसके माने कि तौरन के माने ये भी है कभी कभी के माने में, अला खशफिन खशफ के माने कहते हैं कि वो थन जो सूख गया हो, खशफ तो यानी कि सूखा हुआ थन, खशफ इसका वाहिद आ जाएगा खशफतुन, तो खशफ खशफ के माने सूखा हुआ थन, और शन्नुन के माने होता है बोशीदा या बोशीदा मशकीज़ा, शन इसको कहते हैं, शन यानी कि अलकिरबतुल बालिया, जो जो मशकीज़ा बोसीदा हो गया हो उसको शन कहते हैं, जमा इसकी आ जाएगी शिनानुम। और उसके बाद ज़ाविन, ये इसमें फ़ाइल है ज़ावा यस्वी से, जिसके माने होता है मुरझा जाना, ज़ाविन मुरझाया हुआ, इसमें काजिन की तालील हुई है, ज़ाविन यानी कि ज़ाविलुन के माने में है। और उसके बाद क्या आगे वाला जो कलमा है मुजद्दद, मुजद्दद जिसका जिसका मतलब है दूध कट चुका हो, यानी कि जब दूध कट जाएगा उससे ख़त्म हो जाएगा, तो वो सूखा होता है यानी कि सूखा हुआ, मुजद्दद ऐ मक्तू के माने में है। कहते हैं कि जद्दद तो अशैया इजा कताता हो, कहा जाएगा जद्दद तो अशैया इजा कताता हो, तो मजदूद के माने क्या हो जाएगा, मक्तू के माने में हो जाएगा। और इसी बारे में जो आएगा मजजूज भी आता है, यानी कि दाल की जगह पर जाल करके भी आता है मजजूज, और इसके माने भी हो जाता है काटने की, जैसे कि कुरान में है अताउन अताअन या अताउन गैर मजजूस, तो अता गैर मजजूस अता रहेगा, अताउन नहीं रहेगा, कुरान में अता अता नहीं है, या रुजू करना चाहिए याद क्या होगा, अताउन है या अताअन है, अलमुहिम वो दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन अता हम कुरान से बाहर भी कह सकते हैं अताउन या अताअन गैर मजजूस, यानी कि वो अतिया या वो नेमत जो कटे ना बराबर क्या है जारी रहे, तो उसको कहेंगे अताउन गैर मजजूस। तो यहाँ पर शायर कह रहा है, अच्छा इसमें इस दूसरी जो लाइन है इसके अंदर शायर ऊँटनी जो है उस ऊँटनी की जो है एक और सिफत का तस्करा कर रहा है कि ऊँटनी काफ़ी आराम से काफ़ी मतलब अच्छे से चलती है, और ऊँटनी जब चलती है तो क्या होता है कभी वो अपने दुम से जो है जहाँ पीछे जो दूसरा सवारी ऊँटनी पर बैठता है उस जगह को मारती है अपने दुम से, वहाँ पर मारती है, कभी अपने थनों पर मारती है। तो इस तरह से जो है ऊँटनी जब अच्छे ढंग से चलती है तो ये काम वो करती है, यानी कि अपने दुम से इधर उधर मारती रहती है। तो ये भी चीज़ अपनी ऊँटनी के बारे में यहाँ पर वो तस्करा कर रहा है। तो कह रहा है कि फ़तौरन, तो वो कभी कभी वो उस दुब को मारती है, कहाँ पर, खल्फ ज़मील रदीफ़ के पीछे, और यानी कि एक आदमी जो ऊँटनी पर सवार होता है, जो मेन सवार होता है वो आगे बैठता है, उसके बाद रदीफ़ होता है जो उसके पीछे बैठता है, तो रदीफ़ के पीछे उसकी जो है मतलब जो पीठ का हिस्सा है उस पर क्या है,
अपने दुम को क्या है मारती है। तो वही शायर करके फतौरन बिही खल्फ जमील ए फतौरन तजरिबु बिही, यानी कि उस दुम को वो कभी कभी रदीफ के पीछे वाले हिस्से पर, यानी कि ऊँटनी का वो हिस्सा जो कि रदीफ के पीछे है, तो वहाँ पर मारती है। वतारतन, और कभी कभी वो अपने दुम को मारती है, अला खशफिन, सूखे हुए थन पर, जो सूखा हुआ थन, बोसीदा मशकी से के मानिंद है, और जो मुरझाया हुआ है और जिसके अंदर से दूध ख़त्म हो गया है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर मतलब दूध नहीं है, या इस तरह से ये उठनी मतलब बच्चे वाली इस तरह से नहीं है, या कि दूध पिलाती हो उसके अंदर क्या है कमज़ोरी आ गई हो, या तो ये सारी चीज़ों की तरफ वो इशारा करना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें लेकर के कि सूखे हुए थन पर, मुरझाए हुए, बगैर दूध वाले, तो ये सारी सिफात उसने इसीलिए जिक्र की है कि ये सारा होगा तो मतलब क्या है वो दूध पिलाने वाली नहीं होगी, क्योंकि जब दूध पिलाएगी उठनी तो उसे क्या है जिसमें क्या है कमज़ोरी आएगी और फिर चलने में उसको परेशानी होगी, तो इसीलिए सारी चीज़ें उसने गिनाई है। तो मेन चीज़ कहने का ये है, उसकी एक अच्छी सिफत है कि उठनी जब इस सिफत के साथ चलती है कि अपने दुम को ऊपर नीचे मारती रहती है तो काफ़ी आराम से चलती है। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी आराम से चलती है, इसको जिस काम का मुकल्लफ़ बनाया जाए वो उसको काफ़ी ढंग से, काफ़ी आराम से उसको क्या है करती है। तो ये भी उठनी के बारे में उसने कहा। तो माना क्या हो गया, फतौरन भी खल्फ ज़मीर वतारतन, ये उठनी कभी कभी अपने दुम को रदीफ के पीछे मारती है, और कभी कभी ये अपने दुम को मारती है कि ऐसे सूखे हुए थन पर जो कि बोसीदा मशकीज़े के मानिंद, जो कि ऐसे थन पर जो कि बोसीदा मशकीज़े के मानिंद दिखता है, और जो थन क्या है मुरझाया हुआ है, और जो थन दूध से कटा हुआ है, यानी कि जिसके अंदर दूध ख़त्म हो गया है। इसी पर इत्तेफाक करते हैं, इंशाल्लाह फिर और चीज़ें पढ़ेंगे।